महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी थे वो धूल झाड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रवाद विकास के मुद्दे पर जनता का भरपूर सहयोग मिला है और पहली बार धरातल में विकास के काम गांव गली कस्बा मोहल्ले में देखने का मिला है और आम जनता महसूस की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि किसी का चिंता किया है तो गरीब का चिंता किया है, जो विकास के काज से कोसों दूर थी कि राहुल गांधी अंदर से बहुत घबराए हुए हैं और अलग अलग बयानबाजी देश की जनता के सामने बोलने का काम कर रहे हैं, रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता आज के दिन महसूस कर रही है कि आदरणीय मोदी जी और राहुल गांधी की कोई तुलना नहीं, दूर दूर तक मोदी जी के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में भरपूर समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और अब पहले से बेहतर 2014 से भी बेहतर तरीके से हम रिजल्ट देने का काम करेंगे। रांची के कुछ ग्रामीण इलाकों में और हजारीबाग के कुछ ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश की, हम इसे डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुखद मानते हैं और वो भी तब जब हम लोगों ने यहाँ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर 4 बार ज्ञापन दिया था कि ये जो धार्मिक गोलबंदी हो रही है, धार्मिक विशेष धर्म के धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग होने की आशंका है, उसके बावजूद भी ऐसे प्रयास हुए तो हम इसे अच्छा संकेत नहीं मानते हैं। बहरहाल झारखंड की सजग जनता ने इन प्रयासों को विफल कर दिया और जैसा कि आदित्य जी ने कहा बिल्कुल हम क्लीन स्वीप करने जाते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 राजनीतिक दल जो विपक्षी राजनीतिक दल वीवीपैट के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि कम से कम 25% वीवीपैट मशीनों की गिनती होनी चाहिए, इनका मिलान होना चाहिए, जबकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 मशीनों को हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा करने का प्रावधान रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया। ये साफ दिखाता है कि विपक्ष अपने निश्चित हार को तय मानकर ईवीएम पे कभी टीका फोड़ने की कोशिश कर रहा है तो कभी वीवीपैट की मशीन को टीका फोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से राहुल गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, उन्हें माफी मांगना पड़ा, तो मुझे लगता है ये दोनों इंसिडेंट इस बात को साफ इंगित कर रहे हैं कि विपक्षी दल जब जब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर किसी गलत कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसे मुंगी खानी पड़ रही है। जनता की अदालत में तो वो पहले ही खारिज हो चुका है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज करके ये सिद्ध कर दिया कि भारत में जो चुनाव हो रहा है चुनाव आयोग के निर्देश में वो बिल्कुल निष्पक्ष है, उसकी पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है।